Hello friends and welcome back to Little Scholars, where future lies in your own abilities. So today we are starting our next session. This is one of the most demanding session, I think, according to my comment box. ठीक है ना? मुझे लगता है मेरे comment box के according ये सबसे demanding session था कि sir बहुत problem आ रही है numericals में, sound के numericals हो नहीं रहे हैं, sound के numericals करने में बहुत दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या दे रखा है, कैसे होंगे, क्या नहीं होगा, right? और जो इससे last वाला session था, I think वो भी बहुत demanding था, just because कि आप लोग बहुत ज़्यादा demand कर रहे थे about the echo, reverberation क्या होता है? ठीक है सोनिक बूम्स तो मेरे कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग राइट तो मुझे लगा कि आज न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट कर ही लेना चाहिए तो चलो न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करते हैं देखो फ्रेंड्स एक बात बता दूं यार कि आज सच मुझे नहीं लगता कि साउंड के न्यूमेरिकल इतने ज्यादा टफ हैं इवन आई डोंट थिंक कि यार तुम्हें किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि रीजन क्या है देखो हम लोग ये गलतियां करते हैं ठीक है मैं भी छोटा था ना व्हेन आई वाज इन क्लास 9 तो मुझे भी बहुत डर लगता था अरे यार ये न्यूमेरिकल कैसे होगा कैसे करूंगा यार क्या होगा क्या नहीं होगा बहुत ज्यादा मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता था ठीक है ना तो पता नहीं क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन एक पेपर हुआ हमारा हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए ठीक है हाफ ईयरली एग्जाम आया एंड द रिजल्ट वाज शॉकिंग साले नंबर ही नहीं आए क्यों आधा पेपर न्यूमेरिकल सेक्शन दे दिया बड़ी गड़बड़ हो गई कि बोले यार आधा पेपर न्यूमेरिकल सेक्शन आ गया अब क्या करूंगा भयंकर पढ़ना चालू हो गई यार इस तरीके से तो रिजल्ट खराब हो जाएगा फाइनल एग्जाम्स का तो मैंने कहा यार चलो ठीक है थ्योरी सेक्शन तो बहुत अच्छे से कर लेता हूँ ठीक है तो आप लोग भी थ्योरी सेक्शन बहुत अच्छे से कर लेते होंगे है ना तो उस दिन में एक मूवी चल रही थी हमारे यहाँ पे आई थिंक मैं नायक देख रहा था ठीक है ना अनिल कपूर जी की है तो एक्चुअली मैंने टीचर से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में से आया तो बोले सर पेरेंट्स को बोला मैंने मम्मा पापा को कि ना यार बहुत ज्यादा वीक है न्यूमेरिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होगा मार्क्स स्कोर नहीं होंगे थ्योरी में तो आउट ऑफ मार्क्स है बट न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं है मैंने कहा कि सर नहीं हो पाते नहीं कर पाता मैं अकेला क्या कर लूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूंगा हो ही नहीं पाता समझ ही नहीं आ पाता और जब तक समझ में आता जब तक पेपर आ जाते गड़बड़ हो जाती है साली तो मैं उस दिन मूवी देख रहा था तो नायक सर बहुत शानदार पिक्चर एक नंबर पिक्चर बोले अनिल कपूर जी को एक दिन का सीएम बना दिया भयंकर उस बंदे ने क्या ला दो टैक्स भरो ये करो तो मैंने कहा यार ये इंसान एक दिन में आई थिंक मूवी थी ठीक है कोई बात नहीं लेकिन चलो वो एक दिन में बिना चीज को समझे बोले हाँ ये करना है तो जो वीक पॉइंट है ना उसको निकाला उन्होंने कि यार देखो टैक्स कलेक्शन नहीं आ रहा तो ये सबसे वीक पॉइंट है तो अब मैंने कहा यार देखो वीक पॉइंट मेरा क्या है स्ट्रांग को स्ट्रांग मत करो स्ट्रांग तो ऑलरेडी स्ट्रांग है तुम्हारा ठीक है ना अब वीक सेक्शन को पकड़ो मेरा वीक सेक्शन क्या है सबसे ज्यादा वीक सेक्शन न्यूमेरिकल पोर्शन तो यार अगर मैं सारा फोकस मेरे न्यूमेरिकल सेक्शन पे डाल दूं तो वो मेरे से खराब क्यों होगा अगर मैं मेरा सारा फोकस हटा के न्यूमेरिकल सेक्शन पे डाल दूं तो वो खराब क्यों होगा एक दिन नहीं आएगा दो दिन नहीं आएगा लेकिन उसमें सारा ऐसा लिखा क्या है जो नहीं आएगा ऐसा क्या लिखा है तो मैंने कहा यार चलो ठीक है न्यूमेरिकल सेक्शन करते हैं उठाया कॉपी किताब खोली फटाफट पहले चक्र उठाया उसके सारे फॉर्मूले लिख लिए तो मैंने सजेस्ट किया जिस दिन मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल सेक्शन तुम लोगों को पढ़ाया है एंड आई वाज सजेस्टेड ऑल ऑफ यू दैट सबसे पहले उस चैप्टर की क्या लिख लो सारे फॉर्मूले लिख लो ठीक है ना और फिर बस क्वेश्चन पढ़ो ये फॉर्मूला पुट करो देखो आ रहा है नहीं आ रहा काम खत्म तो मैंने भी ऐसा किया और पहले दिन मैंने सारे न्यूमेरिकल देख के किए भयंकर पहले दिन कर लिए मम्मी यार 30-40 न्यूमेरिकल हो गए आ गए दूसरे दिन फिर न्यूमेरिकल देखती थी अब तीसरे दिन क्या हुआ तीसरे दिन तो मुझे आना चालू हो गए और चौथी बात देखो सबसे इंपॉर्टेंट बताओ कि अगर मैंने 30 न्यूमेरिकल हर चैप्टर पे से 30 न्यूमेरिकल कर लिए और पेपर में आना उस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल तो यार इतने भी बेवकूफ नहीं है कि उन 30 में से एक भी ना हो है कि नहीं उन्हीं 30 में से एक आएगा ना पेपर में तो वहां तो क्या क्वेश्चन याद है जब साला हमसे जो चीज हो नहीं रही तो उस चीज को इतना कर करके प्रैक्टिस कर लो कि आंसर रट जाए काम खत्म बोले ये क्वेश्चन आते ही ये करना है खत्म वहां डर लग रहा कोई बात नहीं ये तो मैं पढ़ के आया था पेपर में ये तो मैं न्यूमेरिकल करके आया था एक दिन पहले यस ये वो ही आया है ठीक है ना तो बस वही चीज करनी है एक महीना रह गया पक्का भयंकर डेडिकेशन लगा दो देखो कर अपने लिए ले लो किसी और के लिए नहीं कर रहे तो फिर लगा दो जान जो होगा जो देखा जाएगा
जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल कि यार तुम लोगों का रिजल्ट आए, ठीक है ना, पूरे 2 महीने 3 महीने मेहनत करी, भूल गए कौन सा खाना कौन सा पीना, कौन सी गर्लफ्रेंड कौन सी बहन कौन सा भाई, सब भूल गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी किताब, ठीक है ना, 2 घंटे पढ़ लिए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, स्कूल गए थे, कोचिंग हो क्या है, 2 घंटे पढ़ के खत्म करो, ठीक है ना, मैं नहीं कहता 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे करो, 15 घंटे पढ़ो, 2 घंटे में अगर इतना एफिशिएंट पढ़ सकते हो, 5 घंटे 10 घंटे जितना, तो बहुत, इट्स इनफ, 2 आवर्स इनफ स्टडी, ठीक है ना, पढ़ लो बस, लेकिन नींद नहीं आएगी जिस दिन से सोच लिया कुछ करना है। सेट योर गोल्स इन योर माइंड्स, सेट योर गोल्स, तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारे पास है, एंड दिस इज आवर ओन स्लोगन, योर फ्यूचर लाइज इन योर ओन एबिलिटीज, ठीक है ना, तुमको पता है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर सकते हो और किस हद तक कर सकते हो, तो वो हद दिखाओ, वो हद ही तो दिखानी है, करके दिखाना है, और इमेजिन करो रात की नींद भुला के तुमने पढ़ाई करी, एंड व्हेन द रिजल्ट्स केम शॉकिंग, सोचो कि कल के अखबार में तुम्हारी फ्रेंड पे फोटो छपी है, वो सब भुला देगा, सब भुला देगा, 3 महीने की मेहनत 4 महीने की मेहनत सब भूल जाओगे, वो फोटो देखने के लिए, वो फ्रंट पेज देखने के लिए सब भूल सकते हो, तो फिर जब अपने लिए ही करना है ना, तो फिर मर के भी करना है, लगा दो आज से जान कि बस अब तो रिजल्ट के बाद ही कुछ सोचना है, क्योंकि अभी कुछ कर लिया ना तो फिर सब हो जाएगा, एक बार मेहनत तो करना चालू करो। चलो हम लोग मेहनत करते हैं साउंड के ऊपर, ठीक है, न्यूमेरिकल सेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, वापस भूल गया मैं, क्वेश्चन करने से पहले इसके सारे फॉर्मूले देखते हैं एक बार, ठीक है, नंबर 1 फॉर्मूला मैं ऊपर लिखता जा रहा हूं, देखो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/T। सेकेंड फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम, जिसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, वी कैन ऑल्सो से दैट फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज, टाइम की यूनिट सेकेंड, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है वेवलेंथ लैम्डा, टाइम है टी सॉरी, और जिसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट मीटर, इसकी सेकेंड, इसकी सेकेंड, इसकी हर्ट्ज। चलो आ जाओ न्यूमेरिकल करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, चलो क्या निकालना है, लिखते जाते हैं साथ साथ सॉल्यूशन के अंदर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट, अब देखो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हो सकता है वेलोसिटी और वेवलेंथ गिवन हो, 2 चीज जरूर देगा ये कंफर्म बोलता हूं, ठीक है ना, राइट, या फिर टाइम गिवन हो, अब देखते हैं हमें क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, होज फाइंड द व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड होज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड, अब देखो मुझे टाइम पीरियड गिवन है टी इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड, ठीक है, ये हमने गिवन लिख दिया, नंबर 1 स्टेप कंप्लीट, देखो ये क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, अब पहला चीज फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम गिवन है, यही और यही फॉर्मूला में सिर्फ लगा सकता हूं, तो एफ इज इक्वल टू 1/T, यहां तक का काम करने का मतलब हुआ टीचर आपको देगा हाफ मार्क, ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में लिखा है वो उतार के फॉर्मूला उतारना है, आधा नंबर मिल गया, सॉल्व नहीं किया अभी भी आधा नंबर मिल गया, तो खुश हो जाओ कि यार देखो जो लिखा है वही लिखने के आधे नंबर मिल गए मुझे, ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं 1/0.05, ठीक है, पॉइंट हटाया मल्टीप्लाई बाय 100, 5 1s and 5 में 20 times, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज, राइट, हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल आ जाएगा, देखो गलती भी नहीं करोगे, ठीक है ना, यहां से देखो अपन ने जो फिजिक्स पढ़ी है ना वो न्यूमेरिकल सेक्शन के बाद, मैं तो कहता हूं सबसे पहले पेपर में जाके सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना, बहुत मजा आएगा, देखो याद रखना मेरी बातों को, साउंड वेव्स ट्रैवल विथ अ स्पीड ऑफ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड, अब देखो स्पीड मतलब वेलोसिटी, मतलब मुझे साउंड वेव की वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ, यानी कि आपको लैम्डा निकालना है, राइट, आप देखो फॉर्मूला वेलोसिटी वेवलेंथ 2 चीजें, ठीक है ना, वेलोसिटी गिवन है, वेवलेंथ निकालनी है,
या तो टाइम पीरियड देंगे या फिर हम लोगों को क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं थर्ड चीज क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स होज फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज। यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 550 हर्ट्ज। आपको इसका क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। चलो आ जाओ, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी वेवलेंथ निकालनी है। फॉर्मूला पुट करते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू f। यहां से लैम्डा का फॉर्मूला निकला वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी इज 330 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 550, 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 3 अपॉन 5। तो यहां से वेवलेंथ आई 0.6 मीटर, राइट। तो कितनी वेवलेंथ आ गई, 0.6 मीटर। ओके, तीन स्टेप में क्वेश्चन खत्म, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले गिवन देन फॉर्मूला, द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड एमिटेड बाय अ सोर्स इज इतने मीटर। यानी कि मुझे वेवलेंथ गिवन है 1.7 × 10⁻²⁻ मीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब आपको एफ कैलकुलेट करना है। थर्ड, इफ इट्स वेलोसिटी इज 343, यानी कि मुझे वेलोसिटी दे रखी है 343.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो 3.3, 3.4, 3.4, 1.7, कैलकुलेशन देख के डरना नहीं। अब नाइन्थ क्लास के बच्चे हो, ठीक है ना, नाइन्थ स्टैंडर्ड, मतलब सीबीएसई ये सोच के देती है, एक चीज माइंडसेट में रखना, जो कैलकुलेशन आएगी ना वो ऊपर और नीचे कहीं ना कहीं कटेगी, नॉट इन साइंस ओनली, इवन इन मैथ्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं कट रही होगी, ये माइंडसेट में ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है पॉइंट्स को देखकर, ठीक है। अगेन फॉर्मूला लगाता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या गिवन है हम लोगों को, वेलोसिटी इज 343.4 अपॉन 1.7 × 10⁻²। पहले एक पॉइंट से ये एक पॉइंट हटा, ये 10⁻²² ऊपर गया, तो यहां पे वेलोसिटी इज, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 343.4 × 10⁻²² अपॉन 17। अब देखो इसको 17 से कट करना है, स्टार्ट करते हैं, 17 × 17 = 34। देखो ये सीधा सीधा 2 टाइम गया, फर्स्ट थिंग। अब ये 3 में नहीं जाता, सीधा सा एक 0 पुट कर दो, ठीक है। दूसरे नंबर कैरी फॉरवर्ड करेंगे 34, अगेन 2 टाइम, तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकली 202 × 10⁻²। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो 1.1 नंबर के बाद डेसिमल 2.02 × 10⁴ हर्ट्ज, ठीक है। ये आ गई इसकी क्या, फ्रीक्वेंसी। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट। इफ अ थंडर इज हियर, अगर थंडर मींस लाइटनिंग, अगर कोई लाइटनिंग किसी पर्सन को 4 सेकंड बाद सुनाई देती है, मतलब थंडर का साउंड 4 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है किससे, लाइटनिंग होने के बाद। इसका मतलब लाइट तेज चलती है, साउंड धीरे चलता है। लाइट अभी दिखी, 4 सेकंड बाद मुझे साउंड सुनाई दे रहा है। इसका मतलब यहां पर जो मुझे टाइम गिवन है वो है 4 सेकंड्स, ठीक है। हाउ फार इज द लाइटनिंग, मतलब कितनी दूर वो लाइटनिंग हो रही होगी, मतलब मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द मैन, उस आदमी से कितनी दूर हो रही होगी। देखो टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब एक चीज स्पीड नहीं, देखो सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर के अंदर, 330 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में गिवन हो तो भी ये लगाना, नहीं गिवन हो तो भी ये लगाना, ठीक है, राइट। यहां से स्पीड कितनी आई, 330 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से डिस्टेंस हुआ स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 330 × 4, तो ये हुआ 0 एज इट इज, 3 × 4 = 12, 30, ये हुआ 1320 मीटर।
मतलब लगभग 1.25 किलोमीटर दूर वो लाइटनिंग हो रही होगी एयर के अंदर, जिसकी रोशनी आई 4 सेकंड पहले और साउंड आया 4 सेकंड बाद। ठीक है, तो देखो ये हुए हमारे कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स, राइट। इसके बाद हम लोग कुछ और टफ वंस की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखो बहुत सिंपल है आज सच, इसके अंदर कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो टफ हो और पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी कम होती है इससे आने की। आएगा तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, एक क्वेश्चन इसके बाद और कराऊंगा, ठीक है, जिसके आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है ना, और आई थिंक इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायरेक्टली कुछ भी गिवन नहीं है, सब इनडायरेक्ट गिवन है, ठीक है ना, तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव्स इन 1 सेकंड, इन 3 सेकंड, मतलब 1500 साउंड वेव बना रहा है 3 सेकंड के अंदर। देखो ये फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, लेकिन एक तरीके से फ्रीक्वेंसी है भी, के सपोज करो मैं डायग्राम बनाता हूं, फिर मतलब समझते हैं, कि एक सोर्स है ये 3 सेकंड के अंदर 1500 साउंड वेव जनरेट कर रहा है, 1500 वेव्स कितने सेकंड के अंदर, इन 3 सेकंड्स, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में वेव ने कितने चक्कर काटे, ये हमें गिवन है कि वेव ने 3 सेकंड में 1500 चक्कर काटे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूं कि 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, चलो करो, ठीक है। वेव ट्रेवल्स या कंप्लीट 1500 रेवोल्यूशंस इन 3 सेकंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड, ठीक है, ये हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 सेकंड में 1500 है, ठीक है ना, वेव कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 3 सेकंड कितने लिख सकते हैं हम लोग, 1500, ठीक है। चलो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये कितना आ गया, 500, यानी कि हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 500 हर्ट्ज, ठीक है। याद रखना फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे, मुझे इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन था कि 1500 चक्कर काटे 3 सेकंड में, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में कितने चक्कर हो गए, 500, और उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सेकंड, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कंप्रेशन, एक कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयरफैक्शन बी 68 सेंटीमीटर। अब देखो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन आता है क्रस्ट पे और रेयरफैक्शन आता है ट्रफ पे, तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 68 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। तो इनडायरेक्टली क्या बोला है कि जो 68 सेंटीमीटर है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफ्रैक्शन, एडजेसेंट कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफ्रैक्शन के अंदर टोटल 68 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका मतलब मेरी वेवलेंथ कितनी गिवन हो गई मुझे, 68 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, दैट इज 68 डिवाइडेड बाय 100.68 मीटर, इतना डिस्टेंस, इतनी हो गई हम लोगों की वेवलेंथ। अब पहुंचते फाइंड पर, फाइंड सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी, वो तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, देखो बिना पढ़े हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। सेकेंड वेवलेंथ भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है ना, गिवन सब है इसी में, और वही चीज फाइंड आउट करनी है, लास्ट निकालना है वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब ये आखिरी काम बचा कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ वेव, मतलब वी निकालना है। अब वी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इज 0.68 एंड फ्रीक्वेंसी इज
500। सबसे पहले दो पॉइंट और दो ही जीरो है तो ये चला गया, ये बचा 68 इंटू 5, यानी कि वेलोसिटी आ गई 5 × 40, 4 कैरी हुआ, 5 × 30, 34 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ये वेव क्या कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली कुछ भी गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ गिवन है। उसने बोला 500 चक्कर काटे 3 सेकंड में, तो उसी से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं, भैया 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रही है 500, तो 500 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। सेकंड बोला उसने कि जो डिस्टेंस कवर्ड है एक कंप्रेशन और उसके एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन के बीच में वो 68 सेंटीमीटर है, और यही हमारा एक ऑसिलेशन कहलाता है, और एक ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल एक वेव करती है उसको उस वेव की लेंथ बोलते हैं, मतलब वेव लेंथ बोलते हैं। तो वेव की लेंथ कंप्रेशन एडजेसेंट और रेयर फ्रैक्शन 68 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। देखो कितने सिंपल, जस्ट कंसेप्ट पकड़ के चलो, कोई न्यूमेरिकल नहीं छूट सकता, कुछ नहीं हो सकता, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक टफ लेता, लास्ट कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलते हैं, वी कैन से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके राइट, कुछ न्यूमेरिकल्स इको के ऊपर जो हमारा लास्ट वीडियो के अंदर टॉपिक कवर हुआ है। ठीक है, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है यहां से आने की, फिर भी मैं दो न्यूमेरिकल्स करा देता हूं, अगर आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है राइट। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ माउंटेन, ताली बजाई माउंटेन के पास, ठीक है, एंड ही इज एन इको आफ्टर 4 सेकंड, मतलब कि अगर सपोज कीजिए एक पर्सन यहां पे स्टैंड कर रहा है और उसने क्लैप किया, उसका क्लैप का साउंड गया, टकराया और टकराने के बाद वापस आया राइट, तो उसको टोटल 4 सेकंड लगे। हमने पढ़ा था कि हम जाने का और आने का टाइम इक्वल मानते हैं, मतलब कि अगर टोटल 4 सेकंड लगे हैं तो जाना और आना दो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब एक साइड की जर्नी कितने सेकंड में कवर करी होगी, 2 सेकंड्स में राइट। साउंड अंडर इफ द स्पीड ऑफ साउंड अंडर दिस कंडीशन इज 330 मीटर पर सेकेंड, सबसे पहली चीज दे रखी है सोल्यूशन राइट, हम लोगों को टाइम दे रखा है 4 सेकंड कंप्लीट जर्नी का, ठीक है, तो इसका मतलब टकराया, इको जनरेट करने के बाद आया, तो टोटल वो 4 सेकंड, तो यानी कि यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू 4/2, हाफ कर देंगे, जितना भी साउंड हो इको में उसका क्या कर देना, हाफ कर देना, टाइम आ गया 2 सेकंड, 2 सेकंड में यहां से साउंड गया था यहां टकराने के लिए, पहुंचा टकराया 2 सेकंड में वापस लौट के आ गया, हो गया 4 सेकंड। अगर स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है मुझे दैट इज वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन एंड द मैन। देखो यहां से माउंटेन का डिस्टेंस कितना है, माउंटेन के लिए तो टकराने वाला ही निकालेंगे, तो यहां से यहां तक पहुंचा वेलोसिटी है, टाइम 2 सेकंड लगे यहां से यहां तक पहुंचने में, इसका मतलब हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दे रखी है हम लोगों को 330, टाइम हम लोगों को दे रखा है 2 सेकंड, तो ये हो गया 660 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 660 मीटर, यानी कि वो माउंटेन लगभग 660 मीटर दूर है, लगभग आधा किलोमीटर राइट। तो देखो अगर इको का क्वेश्चन आता है कि टोटल टाइम इतना लगा जर्नी में, तो आप उसका क्या करना, सिर्फ और सिर्फ हाफ टाइम लेना, क्यों, क्योंकि जब साउंड रिफ्लेक्ट हुआ होगा तो आधे टाइम में रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस बाउंस बैक होकर आएगा तो आधे टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सोनार के ऊपर है। ठीक है, सोनार क्या होता है वापस से बता देता हूं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कि हम लोग अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है उसकी हेल्प से, कि हम लोग डिटेक्शन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर जनरेट करनी होती है तो हम लोग सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, जो बैट है वो इसी प्रिंसिपल अल्ट्रा हाई अल्ट्रासोनिक साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, नेविगेशन के अंदर शिप्स को अगर कुछ डिटेक्ट करना है तो सोनार को यूज करते हैं। ठीक है, सोनार डिवाइस अटैच टू अ शिप सेंड्स अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द सी। चलो ये मेरा एक शिप है, यहां पर एक सोनार डिवाइस लगा हुआ है,
एक भेजने के लिए एक रिसीव करने के लिए, ठीक है। यहां से इसने इसको भेजा बॉटम पर, बॉटम पर कुछ ऑब्जेक्ट था, ये उससे टकराया और टकराकर वापस आया, कितने टोटल टाइम हम लोगों को गिवन है, यानी कि ये यहां से गया टकराया, यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ और यहां से वापस आया। दीज वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ सी एंड बैक टू द शिप इन 4 सेकेंड्स। अगेन टाइम मुझे कितना दे रखा है, टोटल 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड जाने के और यहां से 2 सेकेंड आने के, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ इको, इको आ गया, आधा साउंड वैसे ही कर दिया। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी, सेम थिंग, हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है। सॉल्यूशन राइट, टाइम कितना है फ्रेंड्स, 2 सेकेंड। इस बार वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन वॉटर कितनी होती है, दैट इज 1500 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना हर मीडियम में चेंज होती है, गैसेस में सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होती है, ठीक है। हम लोगों को डेप्थ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 1500 × 2, दैट इज 3000 मीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर, या एग्जैक्टली 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे बॉटम बना हुआ है, राइट। देखो ये हुए हम लोगों के न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर से आ सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिन जिन क्वेश्चंस के आने की है, जिस टॉपिक के ऊपर आने की है, मैंने वो खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अगेन स्टार्टिंग विद द नाइट्रोजन साइकिल्स एंड अदर फिनोमेनास ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप कि आपको हमारा ये वाला सेशन जो न्यूमेरिकल सेशन था, आई थिंक सबसे डिमांडिंग सेशन था, वो पसंद आया होगा। लाइक करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, एंड keep on sharing little scholars because your future lies in your own abilities। And same हम लोगों का maths का channel चल रहा है, that is brain measles, क्योंकि अब maths hard नहीं है। Thank you।